यहाँ में चंदाव के साथ एक पिल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर चंदाव कहता है, ये जो पिल है इसे मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था। इसके अंदर बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। एक कल्टीवेटर को फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए दो चीज चाहिए होता है। पहला है स्पिरिचुअल पावर, इस पिल के अंदर बहुत सारे है। दूसरा है गार्डियन स्टोन। गार्डियन स्टोन जंगल के अंदर मॉन्स्टर के साथ होता है। अगर तुम्हें एक गार्डियन स्टोन चाहिए तो तुम्हें उस मॉन्स्टर को हरा के उस स्टोन को लाना होगा। गार्डियन स्टोन के अंदर भी बहुत सारे रैंक होता है। जितना पावरफुल वो मॉन्स्टर होगा उतना ही पावरफुल वो गार्डियन स्टोन होगा। जब मेरे सिस्टर को पता चला मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर जाने वाला हूँ, तब वो जल्दी जल्दी करके जंगल के अंदर गया है ताकि वो मेरे लिए एक गार्डियन स्टोन को ला सके। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चुप नहीं बैठ सकता। इसके बाद ही चंदाव एक पिल को खा लेता है और कहने लगता है, जल्दी ही सिस्टर सुयन गार्डियन स्टोन को लेकर यहाँ पे आने वाला है। उससे पहले मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर जाने का जो पहला स्टेप है उसे पार करना होगा। ये कहकर वो उस पिल के अंदर जितने भी एनर्जी था उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद यहाँ में चेन फेंग को दिखाया जाता है। एक बंदा आके उसे बताने लगता है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, सुयन को एक बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का गार्डियन स्टोन मिला है। वो जल्दी ही सेन फैमिली के अंदर आने वाला है। ये बात सुनकर सेन फेंग को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो ये भी कहता है, हाई लेवल का गार्डियन स्टोन बहुत ज्यादा ही रेयर होता है, सुयन को इतना आसानी से वो कैसे मिल गया। इस सारे चीजों को देखकर पीछे से लियोटिंगर कहने लगती है, ब्रदर चेन आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर चंदाव फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर चला भी जाता है इससे हमारे प्लान के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 9th लेवल पर हूँ, मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। ये सुनकर चेन फेंग कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन चंदाव का जो अभी कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ये बात सुनकर चेन वन भी कहने लगता है, बदर चेन ने बिल्कुल सही कहा, कुछ दिन पहले ही लाइब्रेरी के अंदर चंदाव ने बहुत सारे टेक्निक को एक साथ ही सीख लिया था, इसके बाद उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये बात सुनकर लियोटिंगर भी थोड़ा सा घबरा जाती है। बाद में वो सीधा चेन फेंग की गले लग जाती है और कहने लगती है, ब्रदर चेन मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा जो रॉयल एकेडमी के अंदर जाने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ये बात सुनकर चेन फेंग कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो सारी चीजें संभाल लूंगा। इसके बाद ही सुयन चंदाव के पास जाता है, तब वो चंदाव को वो गार्डियन स्टोन भी दे देता है, जिसे देखकर चंदाव पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि ये गार्डियन स्टोन कलरफुल था। बाद में चंदाव सुयन को कहता है, सिस्टर आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने बुक के अंदर पढ़ा था ऐसे कलरफुल स्टोन बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का होता है, इसके आसपास पावरफुल मॉन्स्टर भी होता है। ये बात सुनकर सुयन कहती है, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब तुम स्टोन को लेकर कल्टीवेशन करने के लिए चला जाओ, जब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर चला जाओगे तब तुम लियोटिंगर को हरा देना। ये सुनकर चंदाव कहता है, सिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चीज के साथ मैं बहुत ही आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर चला जाऊंगा। इसके बाद यहाँ में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चंदाव अपने उसी स्टोन के साथ कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, जिसे देखकर चंदाव उस स्टोन को छुपा लेता है। तब वो बंदा आके चंदाव को कहता है, मास्टर मिस सुयन ने आपको बुलाया है और कहा है ये बहुत ज्यादा ही अर्जेंट मैटर है। ये सुनकर चंदाव यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद यहाँ में चेन ओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चुप चुप कर चंदाव के रूम के अंदर चला जाता है। बाद में वो चंदाव की उस गार्डियन स्टोन को देख कर कहने लगता है, चंदाव तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने सोचा नहीं था मैं इस चीज को इतना आसानी से हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे चंदाव का एंट्री होता है। चंदाव कहने लगता है, मैंने जैसा सोचा था कोई ना कोई तो होगा ही जो मुझसे ये चीज लेने के लिए आएगा। चेन ओ तुम कितना ज्यादा घटिया आदमी,
आदमी हो, अपने ही घर के अंदर चोरी करने के लिए आए हो, अब जल्दी से अपना खूबसूरत मुंह को दिखा दो। ये सुनकर चेन वू भी अपने मास्क को हटा लेता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तुम्हें पहले से ही पता था मैं आज यहाँ पे आने वाला हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गार्डियन स्टोन मेरे पास है। ये सुनकर चेन दाओ उसकी गार्डियन स्टोन को अपने पास से बाहर निकालता है और कहता है, ये देखो मेरे पास भी एक है। ये सुनकर चेन वू तो पूरी तरह से हैरान था, तब वो कहता है, मेरे पास जो बॉक्स है वो खाली है, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद ये चेन दाओ कहता है, तुम अब पूरी तरह से पकड़े जा चुके हो, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो जिससे मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। ये बात सुनकर चेन वू हंसने लगता है और कहता है, तुम होते कौन हो मुझे जीने का एक मौका देने वाला। ये कहकर चेन वू यहाँ पे उसकी एक एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चेन दाओ उसे देख लेता है, तब वो उसकी एक किक टेक्निक की मदद से चेन वू के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से चेन वू बहुत ज्यादा ही जख्मी होके दूर जाके गिरता है। जहाँ पे चेन वू चेन दाओ को कहता है, तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा ही है, तुमने ऐसे कैसे किया। ये सुनकर चेन दाओ कहता है, अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो मेरी पालतू कुत्ता बन जाओ। ये सुनकर चेन वू हंसने लगता है और कहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मेरे पास एक थंडर स्पेल है। ये बस सुनकर चेन दाओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहने लगता है, थंडर स्पेल ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, मुझे नहीं लगता मैं उसे अवॉइड कर पाऊंगा। इसके बाद यहाँ में चेन वू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है, चेन दाओ आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वो उसकी थंडर टैलिस्मैन को इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ऊपर बहुत ज्यादा ही थंडर का एनर्जी आ गया था, जिसे देखकर चेन दाओ भी थोड़ा सा शॉक था। इसके बाद वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जो थंडर का अटैक था वो आके सीधा चेन दाओ के ऊपर गिरता है। इसके बाद हमें चेन दाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा उसके पास वो जो स्टोन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर चेन दाओ पूरी तरह से हैरान होकर कहने लगता है, इसका मतलब ये जो तिलस्मान था इसका निशाना मैं नहीं था, मेरा ये स्टोन था। इसके बाद यहाँ में चेन वू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ये सारी चीजों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था और कहने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ, अब जल्दी से मर जाओ। ये कहकर वो दोबारा उस थंडर टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, इस बार तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ गया था। इसके बाद यहाँ में उस थंडर तिलस्मान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चेन दाओ के ऊपर ना आके सीधा चेन वू के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसी जगह पे ही मारा जाता है, जिसे देखकर चेन दाओ भी थोड़ा सा हैरान था। इसके बाद यहाँ में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेन फेंग और वो लोलिंगर खड़ा हुआ था। ये सारे चीजें उनका ही प्लान था और वो जो तिलस्मान था उसका कंट्रोल असल में चेन वू के पास था ही नहीं, ये सारे कंट्रोल चेन फेंग के पास था। वहाँ पे जो सारे चीजें हुआ है ये सारे चीजों का गलती चेन फेंग का है। इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।